हेलो गाइस, हैव ए नाइस डे। आज का टॉपिक है सेटिंग आउट ट्रांजिशन कर्व। इसके दो मेथड हैं, एक है ऑफसेट मेथड और दूसरा है डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। तो पहले हम ऑफसेट मेथड के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ऑफसेट मेथड में एक फिगर की आवश्यकता होगी। इस फिगर को एक निगाह देख लें। ये हमारा T1 पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से T1 से लेकर D तक हमारा ट्रांजिशन कर्व है, D से D डैश तक सर्कुलर कर्व है और D डैश से T2 तक ये फिर एक ट्रांजिशन कर्व हो गया। T1 पर एक टेंजेंट लाइन है T1i, T2 पर एक टेंजेंट लाइन है T2i, दोनों i पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। i पर डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा है, ये डेल्टा है तो ये हमारा पूरा एंगल यहां से यहां तक का भी डेल्टा है, ये हम पीछे भी बता चुके हैं। यहां पर हम सेटिंग आउट ट्रांजिशन कर्व के बारे में बताने जा रहे हैं, बाकी तो सब कुछ हो चुका है। तो इसके लिए स्टेप देखिए, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट फिक्स आई एंड फाइंड डेल्टा, यानी सबसे पहला काम ट्रांजिशन कर्व को, इस कर्व को, इसके सेटिंग आउट करने के लिए, इसकी स्थापना करने के लिए ग्राउंड पर हमको दोनों स्टेट पोर्शन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है आई, इसको जमीन पर मार्क करना होता है। तो इन्हीं दोनों सीधी रेखाओं को आगे बढ़ाते चले जाते हैं तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको ट्रेस करके जमीन पर आई बिंदु जो है हम मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से हमको आई बिंदु प्राप्त हो जाता है। आई बिंदु पर ये हमारे दोनों स्टेट के बीच में डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा की वैल्यू क्या है इसको भी हम नोट कर लेते हैं या मेजर कर लेते हैं। तो डेल्टा हमने ज्ञात कर लिया है। इसके बाद हम टेंजेंट लेंथ की लंबाई जो है आई से लेकर के T1 तक की, तो I T1 ये टेंजेंट है, I T2 ये हमारा टेंजेंट है। सेकेंड स्टेप में हम यही काम करेंगे कि टेंजेंट लेंथ I T1 और I T2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसका फार्मूला हम बता चुके हैं, R+S tan डेल्टा / 2 L/2। इस फार्मूले से हम सॉल्व करके ये दोनों टेंजेंट लंबाई की गणना हम कर लेंगे। दोनों की गणना करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, I T1 ये हमारी स्टेट जमीन पर बना हुआ है, इसी में I से टेंजेंट लेंथ के बराबर दूरी काट करके हम T1 बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से इस रेखा में से I T2 इतनी टेंजेंट लंबाई का बिंदु काट करके ये T2 बिंदु भी स्थापित कर लेते हैं। तो इस तरह से हमको अब हमको T1 और T2 ये बिंदु भी जमीन पर पता चल गए, आई बिंदु पता चल गया है। तो तीन बिंदु हमारे स्थापित हो चुके हैं। तीनों बिंदु स्थापित हो जाने के बाद इसके बाद हम ऑफसेट की गणना करते हैं। आप देखिए इसमें एक फार्मूला होता है क्यूबिक पैराबोला में, y = x³/6RL। बस इसी फार्मूले का प्रयोग करते हुए इस फार्मूले में x के हम भिन्न भिन्न मान यानी डिफरेंट वैल्यूज जो है x को देते हैं, जैसे x1, x2, x3। ये हम सुविधाजनक जो है रूप से इनका चुनाव कर लेते हैं, x1, x2, x3, x4। कहाँ से? T1 से। यहाँ से x1 दूरी, फिर x2, फिर x3, फिर x4। इस तरह से चुन करके हम इनके ऑर्डिनेट y1, y2, y3 की गणना इसी समीकरण से कर लेते हैं। तो x1, x2, x3 के भिन्न भिन्न मानों के सापेक्ष हमको y1, y2, y3 आदि कई मान जो है ऑफसेट प्राप्त हो जाते हैं। यही y1, y2 है, ये हमारे ऑफसेट कहलाते हैं, इसीलिए इसको ऑफसेट मेथड कहा गया है। तो ये हमारा चौथा स्टेप तो गणना का है, इसको हम पहले भी कर सकते हैं। इसको पूरा कर लेने के बाद जब ये गणना हमारी हो जाती, सारे ऑफसेट की हमने लंबाइयां कैलकुलेट कर ली इस फार्मूले के अनुसार, उसके बाद क्या करते हैं, फिक्स पॉइंट ऑन T1 at x1। यहां पर क्या करते हैं कि T1 से I की ओर x1 दूरी पर हम एक बिंदु यहां पर लगाते हैं। मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी x1 है, तो ये अगर ये हमारी x1 दूरी है तो यहां पर एक बिंदु हमने लगा लिया इसी सीधी रेखा पर, और फिर इस बिंदु पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, एक लंब रेखा खींच ली, और लंब रेखा खींच करके फिर उस लंब रेखा में से y1 का ऑफसेट जो है ये ऐसे काट दिया, यानी यहां से ये y1 दूरी लेकर के
एक हमने बिंदु लगा लिया, ये हमारा बिंदु वक्र का एक बिंदु प्राप्त हो गया, यानी ट्रांजिशन कर्व का हमारा पहला पॉइंट इस तरह से प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से T1 से X2 दूरी पर हम एक बिंदु लगाएंगे, फिर वहां पर परपेंडिकुलर खींचेंगे और उस परपेंडिकुलर में से Y2 दूरी पर एक चाप लगा करके हम एक बिंदु प्राप्त कर लेंगे, ये हमारा वक्र का दूसरा बिंदु हो जाएगा। बस इसी क्रम से बढ़ते हुए हम डी बिंदु तक, यानी T1 से लेकर के डी बिंदु तक कई बिंदु जो है प्राप्त कर लेते हैं। तो और जब ये बिंदु हमको यहाँ पर मिल जाते हैं, फिर इनको स्मूथली मिला करके हम ट्रांजिशन कर्व का लेआउट जो है तैयार कर सकते हैं, इसकी सेटिंग जो है कर सकते हैं, इसका संरेखण किया जा सकता है। तो ये हमारा प्रोसीजर हो गया, डी तक प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद एक चीज और इसमें ध्यान देनी पड़ती है कि यहां तो हमने X1 के मान जो है अपनी स्वेच्छा से चुन लिए, जैसे X1 बराबर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड सो ऑन। हम क्या करते हैं, हमको ट्रांजिशन कर्व की टोटल लंबाई मालूम होती है पहले से। जब ट्रांजिशन कर्व की टोटल लंबाई मालूम है तो हम उस ट्रांजिशन कर्व की लंबाई का के पदों में ही, जैसे L/H बराबर L/4 पर हम एक ऑर्डिनेट निकाल लें y का मान, और x बराबर L/2 पर भी हम y का मान निकाल ज्ञात कर लें, और x बराबर 3L/4 पर इस तरह से ज्ञात कर लें, और x बराबर L पर। तो इन भिन्न भिन्न इन दूरियों पर, यानी x की चौथाई लंबाई पर, आधी लंबाई पर, 3/4 लंबाई पर और पूरी लंबाई पर जो है ऑफसेट के मान ज्ञात करें, तो वो उन बिंदुओं को भी यहाँ पर प्राप्त कर लेना है। तो ये हमारे अतिरिक्त बिंदु हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जब हम x बराबर L रखते हैं तो हमको ठीक D बिंदु प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर जो ये D बिंदु प्राप्त होता है, इस D की लंबाई 4S के बराबर आती है, 4 × S यानी शिफ्ट का 4 गुना। ये हम आगे अभी प्रूफ इसका डेरिवेशन बता देंगे, सिंपल है। इसी में x का मान L रख दें तो L³ बटे ये 6RL हो जाता है, और ये सॉल्व होने पर ये 4S के बराबर प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है सारे बिंदु प्राप्त हो जाते हैं। जब ये इधर से इधर तक का हम सारे स्थापना कर चुके तो T2 दूसरे जो सेकंड पोर्शन है ट्रांजिशन कर्व का, इसके लिए हम इधर से यही प्रक्रिया दोहराएंगे। तो इस तरह से दोनों कर्व का सेटिंग आउट हो जाता है, और बीच में जो सर्कुलर कर्व है D से लेकर के D' तक, इसकी सेटिंग के लिए जो है हम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड, ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड मेथड का प्रयोग करते हुए जो है इसकी सेटिंग सर्कुलर कर्व के चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं कि कैसे की जाती है, और उसमें जो ऑफसेट की गणना की जाती है उसके लिए जो फार्मूला है वो है ON = CN ब्रैकेट में CN-1 प्लस CN/2R। तो ये फार्मूला वहां बताया गया था, इस फार्मूले के अनुसार इसके डिफरेंट ऑफसेट ज्ञात करके हम इसके जो है लेआउट या इसकी सेटिंग जो है प्राप्त कर सकते हैं या तैयार कर सकते हैं। तो ये ऑफसेट मेथड के द्वारा एक ट्रांजिशन कर्व की जो है सेटिंग का स्टेप है, प्रोसीजर है, सिंपल है। इसके बाद हम इसका दूसरा मेथड डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये डिफ्लेक्शन एंगल मेथड में जो हमारे स्टेप हैं वो 1 by 1 देख लीजिए। फाइंड T1 T2 बाय कीपिंग थियोडोलाइट एट I, यानी इसमें पहला काम तो हम ये करते हैं कि I बिंदु पर थियोडोलाइट रखते हैं, और इसको हम T1 को और बाइसेक्ट करते हैं, यानी T1 बिंदु तो हमको नहीं पता है पहले से, लेकिन T1 के पहले कोई स्टेशन हमको ज्ञात होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर हम पहले से सर्वे करते चले आ रहे हैं, तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर खूंटियां गड़ी हुई हैं, तो किसी भी खूंटी की ओर हम सीध लगा करके इसकी लाइन ऑफ साइट को जो है इस डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो इसमें I बिंदु पर थियोडोलाइट रख करके इसमें T1 की ओर जो है हम इसको बाइसेक्ट करते हैं, या T1 की ओर इसकी लाइन को घुमा लेते हैं, दृष्टि रेखा को इसकी ओर कर लेते हैं। ऐसा करके उस समय जो रीडिंग रखते हैं वो 0 रखते हैं, थियोडोलाइट की रीडिंग जो है 0 रखते हैं। तो कीपिंग थियोडोलाइट एट T1, अच्छा I1, इसके बाद जो है जब हम इस ओर कर लेते हैं, फिर इसी दिशा में हम स्पर्श रेखा की लंबाई के बराबर जो टेंजेंट लेंथ है I T1,
उतनी दूरी का एक बिंदु इसमें से ढूंढ लेते हैं, इसी की सीध में, दृष्टि रेखा की सीध में, तो ये जो बिंदु प्राप्त होगा वो हमारा T1 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से हम आई T2 की ओर जब दृष्टि रेखा को घुमा लेंगे, यानी टेलीस्कोप को जब इधर की ओर घुमाएंगे, ओरिएंट कर देंगे, तो इसमें आई T2 की दूरी के बराबर चाप काट करके, और यानी इसकी सीध मिलाते हुए, यानी एरो लेकर के हम इधर उधर घूमेंगे, जब ही इससे बाइसेक्ट होने लगे, दृष्टि रेखा की सीध में आ जाए, उसी समय एरो जमीन में गाड़ देंगे, तो ये हमारा T2 बिंदु यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हमारी प्रारंभिक प्रक्रियाएं हैं T1 और T2 बिंदु प्राप्त करना। तो ये हम T1 T2 बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, अब हम थियोडोलाइट को उठा करके ले आते हैं T1 के ऊपर, और T1 के ऊपर जब उठा करके ले आते हैं, तब फिर इसके बाद इसको जो है हम आई की ओर बाइसेक्ट करते हैं, यानी आई की ओर इसको घुमाते हैं। तो आई की ओर जब हम ओरिएंट करेंगे, तो और उस समय जो है रीडिंग जो है वर्नियर पर 0-0 सेट कर लेंगे, यानी थोड़ा लाइट यहाँ रखा है, इस ओर जो है हमने ओरिएंट किया हुआ है आई की ओर, और इसमें इस समय वर्नियर की रीडिंग 0-0 कर ली है। तो वर्नियर की रीडिंग 0-0 कर लेने के बाद, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ऊपरी क्लैंप को ढीला करके उसमें वर्नियर पर एक कोण α1, वर्नियर पर जो है हम कोण α1 स्थापित कर लेते हैं, और α1 की वैल्यू इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात की जाती है, 573 L1 स्क्वायर अपॉन RL, यानी L के भिन्न भिन्न मान पर हम अल्फा कोण ज्ञात कर लेते हैं। यानी जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से D तक हमारा ट्रांजिशन कर्व है, इसकी लंबाई कैपिटल L है, और इसके किसी भी बिंदु को, जो इसके बीच में कोई बिंदु स्थापित है, उस बिंदु की T1 से दूरी स्मॉल एल है। तो हम यही स्मॉल एल के भिन्न भिन्न मान, यानी स्मॉल एल पहले इतना ले लें, यहाँ से यहाँ तक L1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक L2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक L3 हो गया, इस तरह से हम भिन्न भिन्न मान एल के मानते हुए, जिनको कि हम L1, L2, L3, L4 द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी वही L1, L2 के डिफरेंट वैल्यूज रखते हुए हम डिफरेंट एंगल α1 ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इस बिंदु पर, यहाँ पर मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दृष्टि रेखा होगी वो कितना कोण बना रही होगी स्पर्श रेखा के साथ, वो कोण हमारा α1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस फार्मूले के द्वारा हम इस α1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये अवश्य ध्यान रखें कि इस फार्मूले में जो ये वैल्यू ज्ञात होती है, ये मिनट में ज्ञात होती है, न डिग्री में न रेडियन में, इसमें डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करने के बाद ही ये फार्मूला प्राप्त हुआ है। तो ये एंगल जो है इसमें मिनट में प्राप्त होता है। इसके बाद जब हम ये रीडिंग सेट कर देंगे थियोडोलाइट पर, तो थियोडोलाइट की दिशा हमारे पहले बिंदु की ओर को हो जाएगी। थियोडोलाइट की जो लाइन ऑफ साइट है, दृष्टि रेखा जो है, पहले बिंदु से होकर के गुजरेगी। अब इसके बाद टेप लेते हैं, टेप का 0 हम T1 पर रखते हैं, और टेप पर जो L1 लंबाई का बिंदु है, वहां एक जो है एरो ले लेते हैं हाथ में, और एरो लेकर के फिर इस डायरेक्शन में ऐसे इधर घूमने के लिए उसको डायरेक्ट किया जाता है, और जैसे ही वो दृष्टि रेखा की सीध में आ जाता है, वहीं पर जो है एरो के द्वारा जमीन पर निशान बना देते हैं, और वही हमारा पहला बिंदु प्राप्त हो जाता है। जब ये पहला बिंदु प्राप्त हो गया, अब इसके बाद इसी थियोडोलाइट में वर्नियर का पाठांक α2 के बराबर कर देते हैं। जैसे अभी α1 के बराबर किया था, अब हम α2 के बराबर करेंगे, जिसमें α2 की वैल्यू क्या होगी, इसी फार्मूले से ज्ञात होगी, केवल L1 के स्थान पर L2 रख लेंगे। तो जब α2 प्राप्त हो जाएगी, तो अब हमारी दृष्टि रेखा दूसरे बिंदु की ओर से होकर के गुजरेगी। जब दूसरे ओर से होकर के गुजरेगी, उस समय हम टेप का 0 फिर T1 पर रखेंगे, और जो L2 दूरी पर एक एरो लेकर के टेप में ही हम इस डायरेक्शन में इस तरह से घूमेंगे, और जैसे ही दृष्टि रेखा के सीध में ये बिंदु आ जाए, वहीं पर इसको जमीन पर निशान लगा देते हैं, तो ये हमको ट्रांजिशन कर्व का दूसरा बिंदु प्राप्त हो जाता है। इसमें एक बात ध्यान रखें कि जो ये दूरियां ली गई हैं L1, L2, ये सभी दूरियां T1 से ही ली गई हैं, पिछले स्टेशन से नहीं ली गई हैं। तो इसमें सारी दूरियां T1 यानी प्रारंभिक बिंदु से ही मानी गई हैं, क्योंकि फार्मूला ही इस तरह का बना हुआ है कि यहां से लंबाई L1 है, दूसरी बिंदु की लंबाई यहां यहीं से ये L2 है, फिर ये L3 है, ये L4 है, तो इस तरह से दूरियां हैं,
इसीलिए ये दूरियां टी1 से ही हर दशा में मापनी है। तो ये अल्फा टू एंग दूसरा बिंदु प्राप्त कर लिया। यही प्रक्रिया दोहराते हुए हम डी बिंदु तक जो है भिन्न भिन्न बिंदु प्राप्त करते चले जाते हैं, और डी बिंदु पर पहुंचने के बाद फिर हम सेटिंग आउट द सर्कुलर कर्व डी डी डैश पुट दी थ्योरोलाइट, या अब हम थ्योरोलाइट को डी पर रखते हैं और इसको टी को साइड करते हैं, टी वन को साइड करते हैं। इसको रख करके फिर टी वन को जो है हम टी वन की ओर इसका ओरिएंटेशन कर लेते हैं। यहां पर देख ले इस फिगर में, यानी डी पर रखा और हमने टी वन को ओरिएंट कर लिया। तो टी वन को ओरिएंट कर लेने के बाद इसी समय वर्नियर में जो हम कोण सेट करते हैं, जो एंगल सेट करते हैं, वो एंगल हमारा कितना होता है वो एंगल देख ले। वो एंगल होता है 360 माइनस 2 इंटू डेल्टा एस बटे 3, यानी इतना एंगल हमको वर्नियर पर सेट करना होगा। यानी इसको, इस प्रोसेस को फिर से समझें। इस प्रोसेस में है क्या, डी बिंदु पर थ्योरोलाइट रखा है, टी वन की ओर हमने ओरिएंट किया हुआ है, और इस समय वर्नियर का जो पाठ्यांक है वो 360 डिग्री, 360 माइनस 2 डेल्टा एस अपॉन 3 के बराबर कोण जो है सेट करेंगे। अब इस कोण को सेट करने के बाद फिर हम जब ये ओरिएंट हो जाए टी वन की ओर, फिर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 डेल्टा एस अपॉन 3 घुमा देते हैं। इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब घुमाएंगे यहां से इधर से, यानी ये ऐसे रखते हुए इस तरह से घुमा के लाएंगे, तो ये 2 डेल्टा एस घूमते ही ये डी डी वन की दिशा में आ जाएगा हमारा टेलीस्कोप। जरा यहां पर इसके संबंध में, इस कोण के बारे में जो कुछ संशय या डाउट क्रिएट होता है उसको समझ लें कि इसी कोण पर हमने क्यों मोड़ गया है। ये हमारी टी वन पर खींची गई टेंजेंट लाइन है, और ये डी बिंदु यानी अंतिम बिंदु जो वक्र का है ट्रांजिशन कर्व का, उसको मिलाने वाली ये कॉर्ड है। अंतिम बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, अंतिम बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा कितना कोण बनाती है, डेल्टा एस, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो ये एंगल हमारा डेल्टा एस हो गया। इसके बाद जो है इसको इससे मिलाने वाला ये एंगल हमारा अल्फा होता है, और ये अल्फा जो है इस एंगल का 1/3 होता है। अभी पीछे आपने पढ़ा था कि फाइ इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू 5/3 होता है। तो यहां पर फाइ के स्थान पर डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस बटे 3 के बराबर ये एंगल होगा यहां से यहां तक। अब जब ये हमारा डेल्टा एस बटे 3 है, ये डेल्टा एस है, तो ट्रेंगल की प्रॉपर्टी से ये एंगल ये माइनस ये अर्थात डेल्टा एस माइनस डेल्टा एस बाई 3 के बराबर कोण होगा, यानी 2 डेल्टा एस बटे 3, क्योंकि इन दोनों एंगल का जोड़ इसके बराबर होता है। इसीलिए इन दोनों का जोड़ इसके बराबर कैसे होगा, ये 2 डेल्टा एस बटे 3 है, ये डेल्टा एस बटे 3 है, इसलिए जोड़ देंगे तो ये डेल्टा एस हो जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी से हम ये एंगल निकाल लेते हैं। पहले हमने जब इस डायरेक्शन में सेट किया था तो 360 माइनस इतना एंगल 2 डेल्टा एस बटे कोण पर सेट किया, इसके बाद इसको इतने ही कोण से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने घुमा दिया, तो जितना माइनस किया था उतना ही हमने ये ऐड कर दिया, तो रीडिंग कितनी आ गई, 360 डिग्री, और 360 डिग्री की रीडिंग 0 डिग्री ही रीडिंग कहलाती है। इसलिए जिस समय टेलीस्कोप हमारा डी वन दिशा की ओर होगा उस समय थ्योरोलाइट में रीडिंग 0-0 हो जाएगी। तो ये हमारी रीडिंग इस समय 0-0 हो जाएगी, और इसी समय हम क्या करते हैं टेलीस्कोप को ट्रांजिट कर देते हैं, यानी पलट देते हैं। अब हमारा टेलीस्कोप की डायरेक्शन जो है ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में हो गया, इसकी डी के बढ़े हुए भाग पर हुआ, यानी प्रोड्यूस्ड डी प्रोड्यूस्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी इसके बढ़ाए हुए भाग की ओर हमारा टेलीस्कोप हो जाएगा, और इस समय रीडिंग कितनी होगी, इसमें 0-0 होगी। जब 0-0 रीडिंग है, इसके बाद अब हमको डी के आगे कौन सा कर्व सेट करना है, सर्कुलर कर्व सेट करना है। तो सर्कुलर कर्व सेट करने के लिए फार्मूला होता है कि डेल्टा वन बराबर, यानी पहले बिंदु के लिए 1719 सी वन बटे आर। तो इस फार्मूले से C1, C2 इसमें हमारी ये फर्स्ट सब कॉर्ड है, और इसके बाद C2 हमारी फुल कॉर्ड होगी, C3 फुल कॉर्ड होगी, इस तरह से कॉर्ड वगैरह होंगी। तो C1, C2, C3 के मान हम पीछे
सर्कुलर कर्व के केस में गणना करना सीख चुके हैं, तो वही सी वन सी टू की वैल्यू रखते हुए हम डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री की गणना कर लेते हैं। तो ये हमने पहले कोण पर जब इसको हमने घुमाया तब ये हमारा इसकी लाइन ऑफ साइट प्रथम बिंदु की ओर यानी जो पहला बिंदु है उसकी तरफ को आ जाएगी और उससे होकर के गुजरेगी। इस अवस्था में क्या करेंगे, फिर टेप हम लेंगे, टेप का जीरो हम डी पर रखेंगे और टेप में सी वन जो पाठ्यांक है उसका दूसरे सिरे पर एरो लेकर के उसको ही डायरेक्शन में घूमेंगे। जैसे ही ये दृष्टि रेखा के सीध में आ जाएगा हम उस पर निशान लगा लेंगे और हमारा ये सर्कुलर कर्व पर एक पहला बिंदु इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। जब ये पहला बिंदु प्राप्त हो जाए अब इसी में डेल्टा टू रीडिंग हम यहीं पर सेट कर देंगे, थियोडोलाइट डी पर ही रखेंगे और रीडिंग इसमें बढ़ा करके डेल्टा वन के स्थान पर डेल्टा टू सेट कर लेंगे। जब डेल्टा टू सेट करेंगे तब इसकी दृष्टि रेखा दूसरे बिंदु से होकर के गुजरेगी और दूसरे बिंदु से होकर के जब गुजर रही है तब टेप का जीरो जो है अब हम पहले स्टेशन के ऊपर स्थापित करेंगे ना कि डी पर। इसमें इससे पहले वाला जो बिंदु था स्टेशन था उस पर जीरो रखेंगे और सी टू दूरी पर एरो लेकर के हम इधर उधर घूमेंगे। इधर उधर घूम करके जैसे ही दृष्टि रेखा के सीध में आ जाएंगे वहां पर हम निशान लगा करके दूसरा बिंदु प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से हमको दूसरा बिंदु प्राप्त हो जाएगा और यही प्रक्रिया दोहराते हुए हम आगे अंतिम कर्व तक यानी डी डैश तक बढ़ जाते हैं और डी डैश बढ़ जाने के बाद फिर हमको सेकंड ट्रांजिशन कर्व प्राप्त हो जाता है। सेकंड ट्रांजिशन कर्व को स्थापित करने के लिए जो प्रक्रिया हमने पहले ट्रांजिशन कर्व के लिए अपनाई है वही विपरीत दिशा में दूसरे ट्रांजिशन कर्व के लिए अपना करके इसकी सेटिंग आउट कर सकते हैं। हाँ, डी डैश बिंदु की जांच करने के लिए अगर हम आई टी टू जो ये टेंजेंट है इस टेंजेंट से इस पर ऑफसेट डालें तो ये ऑफसेट की लंबाई 4s के बराबर होनी चाहिए। तो ये जो 4s की दूरी होती है इसको फिर से समझ लें। यहां पर इसकी जांच कैसे करते हैं, फार्मूला होता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 6RL और x हमारा चूंकि डी डैश पूरा फुल लंबाई पर है तो ट्रांजिशन कर्व की पूरी लंबाई L पर है तो L रख देंगे X के स्थान पर तो L क्यूब अपॉन 6RL हो गया। L से एक कट गया तो L स्क्वायर अपॉन 6R बच गया। L अपॉन 6R को हम लिख सकते हैं 4 गुणा L स्क्वायर अपॉन 24R। अब देखिए हमने 4 का गुणा ऊपर किया और 4 का गुणा नीचे कर दिया, 6 को 24 ये 24 हो गया। तो L स्क्वायर अपॉन 24R हमको चूंकि बनाना था क्योंकि ये S की वैल्यू होती है, शिफ्ट की वैल्यू होती है, इसलिए शिफ्ट का 4 गुना यानी 4S के बराबर होता है। तो ये जो ऑफसेट है यहां पर ये हमारा 4S के बराबर होगा। इसी तरह से D पर जो ये ऑफसेट होगा इस ट्रांजेंट से ये भी हमारा 4S के बराबर होगा और ये भी ऑफसेट हमारा 4S के बराबर होगा यहां से यहां तक। तो ये इस ऑफसेट को डाल करके इस बिंदु को जो आपने स्थापित किया है उसकी भी जांच कर लेते हैं। तो ये चेक है इसका कि हमारा वर्क एक्यूरेट है अथवा नहीं है, कोई मिस्टेक हुई है तो यहां से पता चल जाता है। इस तरीके से ये हम ट्रांजिशन कर्व पूरे ट्रांजिशन कर्व का जो है सेटिंग आउट कर सकते हैं बाय डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। तो ये एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा दोनों ये ट्रांजिशन कर्व की सेटिंग की जाती है। दो मेथड थे, पहला तो था ऑफसेट मेथड और दूसरा था डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। तो ये टॉपिक यहीं कंप्लीट हो रहा है, सेटिंग आउट ऑफ ट्रांजिशन कर्व। इस तरह से ट्रांजिशन कर्व के बारे में कंप्लीट या पर्याप्त जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है, अब कोई टॉपिक इसमें से शेष नहीं है।